तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे 20,000 के अंडर में। अगर आपको अभी के टाइम पे एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कैमरा पर्पज के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको कैमरा का क्वालिटी तो अच्छा मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग भी कर सकते हैं, एंड अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा, उसके साथ साथ हाईर रिफ्रेश रेट भी होगा। बैटरी तो 5,000 mAh का ही होगा, बट उसके साथ साथ आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी मिल जाएगा और बड़ा रैम स्टोरेज तो खैर मिलेगा ही। तो ये वीडियो आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अपने लिस्ट का पहला फोन आता है आईकू की तरफ से, आईकू G5 5G। तो अगर आपको अभी के टाइम पे एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए या फिर एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए ना 20,000 के अंडर में, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, एंड इनको स्मूथ करने के लिए 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी क्लिक कर सकते हैं। और 650 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक ही है, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। और इसके ऊपर आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये तो हो गया डिस्प्ले, बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा, और ये प्रोसेसर जो है ना 6 nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं, एंड 5.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, स्कोर काफी जबरदस्त है। बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 44W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा, और ये चार्जर जो है आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का है, सेकेंड कैमरा 8MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है, थर्ड कैमरा 2MP का है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है, और प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 60fps पर। वहीं फ्रंट कैमरा से केवल 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा इस फोन में आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, एंड कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। तो इस फोन का प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले कहना डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो ये फोन जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, और इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 193 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही है, और 8.5 mm का थिकनेस है जो कि ठीक ठाक ही है, ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फ्रंट टच OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। इनमें आपको 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डुअल स्पीकर्स दिया गया है, और इनमें आपको LPDDR5 का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का। तो 8128 जो है ना इस फोन का बेस वेरिएंट है, और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको अमेजोन पर 19,999 रुपया देना होगा। अगर आपको 20,000 रुपया में एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए अभी के टाइम पे तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का दूसरा फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। दोस्तों ये फोन भी जो है ना एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, इनमें भी आपको कैमरा का क्वालिटी तो अच्छा मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो फिर चलिए जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। ये फोन जो है ना एक अच्छा लाइट वेट फोन है, क्योंकि 173 ग्राम इस फोन का वेट है, एंड 7.4 mm का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन हेडफोन जैक ही दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो One UI 3.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो इनमें आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि 6.7 इंच का फुल HD+ है। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी बढ़िया डिस्प्ले दिया गया है, डिस्प्ले से इस फोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एंड इसको स्मूथ करने के लिए 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं।
हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इन आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा। ये प्रोसेसर जो है ना काफी अच्छा प्रोसेसर है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, स्कोर जो है ना काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इन आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड है जो की 12MP का है, थर्ड कैमरा 5MP का है और सेल्फी कैमरा 32MP का दिया गया है। और प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, और वहीं फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा इस फोन का आपको काफी लाजवाब का मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। और इस फोन को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 21,000-22,000 रुपया देना होगा, और ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो 20,000 के आसपास में यह फोन आपको मिल जाएगा। अगर आपको 20,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का तीसरा फोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G82। इस फोन का सबसे अच्छा बात यह है कि इनके कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस रेंज के किसी भी फोन में आपको ना के बराबर ही मिलता है। इसके अलावा भी और भी फीचर इनमें आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो क्या कुछ इस फोन में दिया गया है, तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले दिया गया है, और 1000 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको स्मूथ करने के लिए 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा, और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना ठीक ठाक ही है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 30W का चार्जर को। हालांकि चार्जिंग वगैरह में थोड़ा मोड़ा टाइम ये भी ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। बैटरी भी इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड है जो कि 8MP का है, और थर्ड कैमरा 2MP का है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है, एंड OIS का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो कैमरा इस फोन का आपको काफी लाजवाब का मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये फोन जो है ना ब्लॉगिंग के लिए काफी अच्छा होगा, और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस फोन का भी प्राइस को बाद में ही बताएंगे, उससे पहले कहना डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। ये फोन भी जो है ना एक अच्छा लाइट वेट फोन है, क्योंकि 173 ग्राम इस फोन का वेट है, और 7.9mm का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। इनमें आपको 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, स्टूडियो स्पीकर्स दिया गया है। इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल जाएगा, जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। और ये फोन जो है ना स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पर। और सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का। तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 21,499 रुपया देना होगा, और ये फोन भी उनके लिए होगा जिनका बजट 20,000 से ज्यादा है। अगर आप चाहे तो इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर भी खरीदेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको 20,000 के अंडर में ही एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तो आप अगला वाला फोन को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का फोर्थ नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 11 Pro Plus 5G। दोस्तों ये फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको नेट 20,000 रुपया में मिल जाएगा। अगर आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए ना, तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें आपको AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है, और 1200 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड इसको स्मूथ करने के लिए 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का
सैम्पलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 4 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 67W का फास्ट चार्जर को। ये चार्जर जो है आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बताया जाता है कि लगभग 15 मिनट में आपके फोन को 50% चार्ज करके देगा ये। तो बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 108MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड है जो की 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है जो की माइक्रो लेंस है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। प्राइमरी कैमरा का 1.9 का अपर्चर है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, एंड रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 60fps पर। तो कैमरा इस फोन का भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, और आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस फोन का भी प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। ये फोन जो है ना आपको हल्का फुल्का भारी महसूस करा सकता है, क्योंकि इस फोन का वेट 202 ग्राम है, जो कि ठीक ठाक ही है, और 8.1mm का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। और 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, स्टूडियो स्पीकर्स दिया गया है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह फोन ग्लास बॉडी के साथ आता है, और सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस ब्रांड को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 20,000 रुपया देना होगा। अगर आपको अभी के टाइम पे एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए ना 20,000 रुपया में, तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का आखिरी फोन आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉर्ड CE2 लाइट 5G। दोस्तों ये फोन भी जो है ना 20,000 के अंडर में काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है, एंड इनमें आपको कैमरा का क्वालिटी काफी अच्छा मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, एंड इसको स्मूथ करने के लिए 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले इस फोन का काफी बढ़िया दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं, एंड 4,20,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का है, बाकी का कैमरा 2-2MP का है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। और एक चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा। और प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है। रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा भी इस फोन का आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, और आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस फोन का भी प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो ये फोन जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें, तो ऑक्सीजन OS 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। 195 ग्राम इस फोन का वेट है, जो कि लगभग नॉर्मल ही है, और 8.5mm का थिकनेस है, यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 19,950 रुपया देना होगा। अगर आपको 20,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। और हमें उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।